السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना पहला सबक अच्छे तरीके से याद किया होगा। आज तजवीद के साथ कुरान पाक सीखने का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सूरह बकरा की नेक्स्ट आयात को पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि जो लोग घर बैठकर तजवीद कुरान सीखना चाहते हैं उन तक मेरी वीडियोस आसानी से जा सकें। और आप लोग भी मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी तो सबक पढ़ने से पहले हम सबक याद करने की दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मफ्तह अलैना हिकमतका وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین۔ جی تو اب ہم اپنا سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ واو سینز بروستا زبرتا وستا عین یا زرعی وستاری नून वाव पेश नू वस्तारी नू बा स्वाद राजेरी बिस्वबरी, यहाँ पे हम स्वाद को पुर पढ़ेंगे और बा के ऊपर कलकला करेंगे बिस्वबरी। वाव स्वाद बर वस्वाद जबर स्वा व स्वा लाम खड़ा जबर ला व स्वाला ताजेरती व स्वालाती, यहाँ पे आपको त्वा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वक्फ़ करने की अलामत है, यहाँ पे वक्फ़ लाजिम किया जाता है तो यहाँ हम इसको साकिन कर देंगे वस्वालात। वाउज बरवा हमजा नून जेर इन व इन नून ज़बरना व इन हा अलिफ ज़बर हा व इन हा लाम ज़बरला काफ ज़बर का ला का बा या ज़ेर बी लाका बी रॉ ज़बर रॉ लाका बी रॉ ता दो पेश तुन लाका बी रॉ तुन हमसा लाम ज़ेर इल लाम अलिफ ज़बर ला इल्ला ऐन ज़बर आ लाम 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 ज़बर लल अलल ख़ा खड़ा ज़बर ख़ा अलल ख़ा शीन ज़ेर शी अलल ख़ा शी ऐन या ज़ेर ई अलल ख़ा शी री नून ज़बर ना अलखाशीना, यहाँ पे हम खा को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है इसका मतलब है यहाँ हम वक्फ करेंगे तो नून को यहाँ साकिन कर देंगे अलखाशीन। हमजा लाम ज़बर अल्लाम ज़बर ला अल्ला दाल या देर दी अल्लादी नून ज़बरना अल्लादीना या ज़बरिया गौ नून पेश जुन या जुन नून वाव पेश नू या जुन नू नून ज़बर ना या जुन नू ना हमसा नून ज़बर अन नून ज़बर ना अन हा मीम पेश हम अन हम मीम पेश मू लाम खड़ा ज़बर ला मूला कफ वाव पेश कू मूला कू रौबा ज़बर रौबा ज़ेर भी रौब भी हा मीम ज़ेर हिम रब्बी हिम वाव ज़बर वा हमज़ा नून ज़बर अन वा अन नून ज़बर ना वा अन हा मीम पेश हम वा अन हम हमज़ा ज़ेर ई लाम या ज़बर लई ई लई हा ज़ेर ही ई लई ही रौ खड़ा ज़बर रौ जीम ज़ेर जी रौ जी ऐन वा पेश रू रौ जी रू नून ज़बर ना रौजिउना, यहाँ पे नून को भी साकिन करेंगे क्योंकि यहाँ पे वक्फ करेंगे रौजिउन। या खड़ा ज़बर या बा ज़बर बा या बा नून या ज़ेर नी या बा नी हमज़ा सीन ज़ेर इस रौ अलिफ ज़बर रौ इस रौ
हमज़ा याज़िर ई इसरा ई लाम ज़बर लाम ज़ाल ज़बर लज इसरा ई लज कफ पेशकू रा वा पेशरू कुरू नून ऐन ज़ेर नियर मीम ज़बर मा नियर मा ताज़िर ती नियर माती या लाम ज़बर यल नियर माती यल लाम ज़बर ला नियर माती यल ला ता याज़िर ती निअमती यल्लती हमजा नून ज़बर अन अईन मीम ज़बर अम अन अम ता पेशतु अन अम तु अईन ज़बर आलम या ज़बर लई अलई कफ मीम पेशकुम अलैकुम वाव ज़बर वा हमजा नून ज़बर अन वा अन नून या ज़िरनी वा अन्नी फद वा ज़बर फद वा लाम ज़बर दल फद दल ता पेशतु फद्दल्तु कफ मीम पेशकुम फद्दल्तुकुम ऐन ज़बर आलम लाम ज़बर लल अलल ऐन खड़ा ज़बर आ लाम ज़बर ला आला मीम याज़िर मी आला मी नून ज़बर ना आला मीना। यहाँ पे भी हम वक्फ करेंगे क्योंकि गोलदायर है, इसका मतलब है ये वक्फ करने की अलामत है। यहाँ पे आयत मुकम्मल हो गई है तो हम यहाँ नून को साकिन कर देंगे। अलमीन वस्तरीनु बिस्वबरी वस्वला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलखाशिरीन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन هم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين। जी तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आज हमने सूरह बकरा की नेक्स्ट आयात को पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना सबक अच्छे तरीके से याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।